और सब क्या हाल चाल? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपको जीवन में क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। इस अगर नहीं पता है तो यही एक कारण है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आपको यही नहीं समझ आता कि आपको करना क्या है। एक दिन उठते हो आप ये बोलते हो बस अब तो मुझे CBI ऑफिसर बनना है, SSC CGL निकालना है। एक दिन सो के उठते हो आपके तो बस अब तो मुझे IPS बनना है, UPSC का पेपर निकालना है। एक दिन सो के उठते हो बस मुझे तो लेखपाल ही बनना है, बस जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म निकल जाए, मैं तैयारी शुरू कर दूँ। हर दिन रिदम बदलता रहता है और ये रिदम बदलते बदलते कब आपकी उम्र 25 से 30 हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, किताबें बहुत बेकार हो या अच्छी हो, सिलेबस बहुत बड़ा हो या छोटा हो, किसी एक चीज़ को पकड़ो। अगर आप हल्के में लेते हो कि हाँ ये किताब अच्छी नहीं है, ये किताब बेकार है, मुझे तो सबसे बेस्ट चीज़ चाहिए, सबसे बेस्ट नौकरी चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका चाहिए, तो सबसे बेस्ट खोजते खोजते आप 25 से 30 साल की उम्र पार कर जाओगे। इसीलिए चाहे कोई भी नौकरी हो आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा। मार्केट से जाइए, A4 साइज का एक पेपर लेके आइए, उसके ऊपर लिखिए। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है तो आप क्या करेंगे। आपको अगर कोई नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। आपको बनना क्या है कुछ तो हिंट होगा आपके अंदर। एक पुलिस से लेके एक IAS ऑफिसर तक हर इंसान के अंदर, पढ़ने वाले के अंदर एक क्वालिटी होती है कि मुझे करना क्या है। किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को नर्स बनना है, किसी को लेखपाल बनना है, किसी को ऑफिसर बनना है किसी फील्ड में, किसी को इंस्पेक्टर बनना है, तो कुछ तो बनना ही होगा। उस एक चीज़ को स्पेसिफिक कीजिए, एक A4 साइज के पेपर पे लिखिए और लिखने के बाद उसके बारे में जानकारी जुटाइए, सिलेबस बुक्स कैसे पढ़ें क्या करें, और फिर शुरू हो जाइए। ठीक है? नहीं तो फिर भटकते रहेंगे और ये यूट्यूब वाले आपको भटक भटकाते रहेंगे, पेड कोर्स बेचते रहेंगे, अच्छी किताबें बताते रहेंगे, सिलेबस बताते रहेंगे और आप देख देख के बस खुश होते रहेंगे। रात को अच्छा ड्रीम देखते रहेंगे कि हाँ, नौकरी लग गई, लेकिन रियलिटी बहुत दूर होती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।